क्या 200 साल पहले भारत में प्लास्टिक सर्जरी की जाती थी? क्या प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी होती थी? अगर 18वीं सदी में इंग्लैंड में छपने वाली एक मैगजीन में छपे आर्टिकल की माने तो यही सच है। मुझे इस विषय में बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल मिला है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंग्लैंड में छपने वाली मैगजीन दी जेंटलमैन मैगजीन के अक्टूबर 1794 संस्करण में छपे एक लेख में भारत में की गई एक प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लिखा गया है, जिसको खुद कुछ अंग्रेजों ने अपनी आंखों से देखा था। उक्त मैगजीन के पृष्ठ संख्या 884 पर इसका स्केच बनाया गया है तथा पृष्ठ संख्या 891 पर लेख है। स्केच आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेख में कीनी मिस्टर अर्बन ने लिखा है कि उनके मित्र ने भारत से एक अत्यधिक उत्सुक तथा जैसा कि वह समझते हैं यूरोप में अज्ञात सर्जिकल ऑपरेशन प्रेक्षित किया है, जो नामतः मनुष्य के चेहरे पर एक नई नाक चिपका देना भारत में बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस किया जा रहा है। मैगजीन में लिखा है कि एक ब्रिटिश आर्मी के एक बैलगाड़ी चलाने वाले को 1792 की लड़ाई में टीपू की सेना ने बंदी बनाकर नाक काट दिया था। पुणे के पास एक ईंट बनाने वाली जाति के एक व्यक्ति द्वारा उसकी नाक वापस लगाई गई। दो मेडिकल जेंटलमैन जिनका नाम मिस्टर थॉमस तथा मिस्टर जेम्स ट्रिंडली लिखा गया है ने प्रदर्शित किए जाते हुए देखा। इसमें माथे से कुछ स्किन का टुकड़ा काटकर तथा नाक पर कुछ दवाइयां घी तथा मोम की पट्टियां लगाकर उस स्किन को नाक पर लगाया जाता था। लेख के अनुसार 25 दिन बाद पट्टी को उतार कर नए नाक के आकार को सुधारा जाता था। इस वीडियो में बस इतना ही। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।